हेलो गाइस, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल एंड स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो आज डेट हो रही है 16 और हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं आज, जुहेब इकबाल जी। और आज हम जा रहे हैं, ये इंडिया से नहीं है, ये अरबिक हैं और बहुत दिनों बाद ये सब जानते हैं। बहुत दिनों बाद आज हम मिल रहे हैं और आज मेरे पास एक्शन कैम नहीं है जिसकी वजह से हेलमेट शॉट नहीं ले पाऊंगा मैं। तो ये देखो कितनी प्यारी लोकेशन है। अभी टाइम हो रहा है शाम के 3 बज रहे हैं, घर से निकलने में ही बहुत लेट हो गया था और मतलब कोई ऐसे प्लान नहीं था तो अचानक ही प्लान बना। तो अभी शाम के 3 बज रहे हैं। मैंने मैसेज सुबह तेरे को सुबह किया था, वो भी कंफर्म नहीं था ये प्लान। हाँ, तो इसको लगा मैं मजाक कर रहा हूँ लेकिन ऐसे ही मजाक का प्लान बन गया। तो अभी हम यहाँ पे हैं, गुलडंडा वाले रास्ते पे हैं। तो अभी हमने डिसाइड नहीं किया कहाँ जा रहे हैं, वैसे मोस्ट प्रोबेबली हम गुलडंडा ही जाएंगे। क्या बोलता है, कहाँ चले? गुलडंडा चले तो रहा है लेकिन मैं डर लगा कि रात को वहाँ टिके रहे हम लोग। कोई बात नहीं, अभी देखो टाइम हो रहा है 2:56, 3 बज रहे हैं। तो अगर हम बिना रुके चले तो मैक्सिमम 4 बजे तक हम वहाँ पहुँच जाएंगे और 1.5 घंटा रह के 5 बजे भी अगर वापस निकलते हैं तो भी। चलो फिर चले। तो गाइस थोड़ा बहुत हम यहाँ पे एक ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे 30-40 मिनट्स हो गए हैं। हम यहाँ पे फोटो शूट कर रहे थे और फोटो शूट हो गया है जुहेब के, एज यू नो कि बहुत ज़्यादा नखरे रहते हैं फोटो शूट में। जो भी है बट ही इज प्रोफेशनल, है इससे जैसा कोई नहीं है भाई। एक बार फिर से बोलना, चंदन इज मिस्टर परफेक्शनिस्ट। किस चीज़ में? इन एवरी सिनेरियो, मतलब जैसी पिक्चराइजेशन और जैसी कलराइजेशन जैसी चंदन कर सकता है ना अपने व्लॉग्स के अंदर, बड़े कम। इनडायरेक्ट वो कहना चाहता है कि मेरे से अच्छा फोटोग्राफर कोई भी नहीं है। बेशक कोई शक नहीं, बिल्कुल। ऑलमोस्ट शाम के 5 बज गए हैं, ऊपर भी पहुंचना हमें 4 बजे। तो अब बेहतर यही है, अब बेहतर यही है कि हम फोटोशूट ना करें और पहले ऊपर पहुंचे उसके बाद। चलो सी यू द नेक्स्ट स्पॉट। Thank you.
सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं गुलडंडा टॉप पे, और जैसा कि आप देख सकते हो ये जुहेब इकबाल जी। और हमने सोचा था कि मतलब कि ये जैसे लास्ट टाइम मैं आया था, मैं अपने वीडियो देखा होगा मेरा कैंपिंग का यहाँ पे, तो उस टाइम पे ये रोड कच्चा था, लेकिन आज भी ये रोड कच्चा है। हाँ, हमने सोचा था कि अगर ये रोड मतलब थोड़ा बहुत तो आगे गया होगा, ऑलमोस्ट ब्लैक टॉप हुआ होगा आगे, तो हमने सोचा था कि अगर आगे ये ब्लैक टॉप हुआ होगा रोड तो हम आगे जाएंगे, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हो ये रोड ब्लैक टॉप नहीं हुआ है, तो हम यहीं तक। आज भी आते हम पिछली बार आए थे ना, तब यहाँ पे बर्फ पड़ी हुई थी इस पहाड़ पे ना, पता नहीं आज भी होगी, आगे की तरफ होगी, देखिए आगे होगी बर्फ, यहाँ पर नहीं नहीं थी थी याद नहीं, मैं जो वीडियो इंस्टाग्राम पे है उस पे इस वाले बैकग्राउंड पे बैक नहीं नहीं यहाँ पे बर्फ नहीं होगी, थोड़ा सा हमें 2-3 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा, वहाँ पे ग्लेशियर्स होंगे, वहाँ पे होगा, लेकिन फिलहाल हम यहीं पे रुक रहे हैं क्योंकि यहीं पे बस ये जगह है इस एरिया में जहाँ पे नेटवर्क आता है, और किसी भी एरिया में नेटवर्क नहीं आता है, तो थोड़ी दूर यहाँ पे फ़ोन वगैरह अपना चेक करके उसके बाद थोड़ा आगे चलेंगे हम ग्लेशियर्स वगैरह देखने के लिए। तो तब तक के लिए कैसा लग रहा है, ठंड लग रही है? ठंड ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा ठंड। टाइम हो रहा है शाम के 5 बजे बन चुके हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है ठंड, और पीछे आप देख सकते हो कुछ टूरिस्ट आए हुए हैं, हमसे बोला कि क्या हम आपकी बाइक पे फोटो क्लिक कर सकते हैं, हमने बोला कोई बात नहीं क्लिक कर लो, 500 नहीं यार, फ्री में यार, फ्री में जा करके फ्री में। पता है क्या होता है जिंदगी में कभी कभी ना, हाँ कहते हैं कि इंसान को उनके पास, इंसान के पास सोना होता है मगर उसको उसकी कदर नहीं होती। अच्छा, ऐसी हालत हमारे पास, अच्छा तेरे ऊपर वाले ने एक ऐसी चीज दी है, ब्यूटी जन्नत दी है हमें, नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी, हमें उसकी कदर नहीं है, हम उसकी कदर ही नहीं, कदर उन लोगों से पूछो जो दिल्ली मुंबई में पोल्यूशन में रहते हैं, ऐसे लोग होते हैं, और जो यहाँ आके उनको लगे, शायद उन लोगों को लगता होगा जैसे तुमने कहा ये बात कि उन लोगों को लगता है कि जगह एग्जिस्ट ही नहीं करती जिन्होंने देखा नहीं है, ऑब्वियसली उन्होंने जब लाइफ में ऐसी कभी ऐसी कोई जगह देखी नहीं, उन्हें ऑब्वियसली ऐसा लगेगा, फर्स्ट टाइम तुम लेके आओगे तुम्हें कोई बात नहीं, यही होता है जिंदगी का, बस यही है कि जिंदगी में जो चीज़ है यार उसकी कदर करो, जब तक ये ना हो हाथ से वो चीज़ छूट जाए, उसके बाद में जब वो चीज़ चली जाती है हाथ से तो बड़ा अफसोस होता है, चली तो नहीं जाएगी लेकिन रहेगी तो हमेशा, ये नहीं कि हाथ से चली जाए, या तो इंसान के पास वक्त नहीं होता, या तो इंसान के पास जिम्मेदारियां आ जाती हैं, इंसान के पास ऐसी हालत जाती है, या फिर इंसान उसको फॉर ग्रांटेड लेता है, फॉर ग्रांटेड ले कि हाँ हमारे पास तो ये चीज़ है यार, कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी, हाँ आजा तेरी रील शूट करते, आजा क्या जैसे वो करते जैसे वो बॉबी देओल नहीं करता था सोल्जर, यहाँ से करते आराम से, जैसे फिल्म की शूटिंग चल रही है एकदम कमाल की है, रील बनानी तेरी है, तूने क्या मेरे व्लॉग में जलील करने लाया मेरे को नहीं मेरे को पता रील बनानी है, क्यों कर रहे हैं कर, कैसे रील बनानी बॉबी देओल की तरह, बॉबी देओल मेरे बाल तो बड़े बड़े है नहीं है, हाँ जैसी बनती कर लो चार्जर, वायर है ना अपनी बस, वायर है ना, रख लो कोई बात नहीं, अरे भैया भाई चाय, अरे भैया चाय की चाय, 2 मिनट गारंटी है, चाय ठंडी हो जाएगी, इससे ज्यादा ठंड कहाँ जुए, हाँ इसमें ठंड तो फिर फ्रीजर में हो सकती है, फ्रीजर में गेम है, वो की जिसको छोड़ आए हम वो गलियां, छोड़ा है वो गलियां, हॉर्लिक्स का स्तो दुआ चुतरी की, स्तो दुआ चुतरी, गारंटी 1 मिनट में, जल्दी आओ, स्तो दुआ चुतरी, विसम नासित नोल देवियत, सिम नासित नोल देवियत, दा खरशेदा नी प्रावल नेता इता दा खरशेता शोरमा, शोरमा इज ओस्त्रेस्त, या तो जो खोचिस ओस्त्रेस्त शोरमा, ये भाई तो ये भाई दिल्ली से, दिल्ली में कहां से भाई, जामिया, आप केरला से, तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु में कहाँ से, तिरुची से, तो कैसा लग रहा है फर्स्ट टाइम भद्रवा में आके, फर्स्ट टाइम आया वैसे मतलब हिली एरिया में, तो जाया था शिमला उधर जाया था, बट इधर अब जैसे मेरे मोस्टली लोग हैं जो दिल्ली से या किसी और स्टेट से, उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसी जगह एग्जिस्ट ही नहीं करती है, अब आप जैसे आप फर्स्ट टाइम मतलब आपका सेकंड टाइम या थर्ड टाइम हो जो भी हो गया, तो लेकिन अगर आप जैसे कोई फ्रेंड है जो फर्स्ट टाइम ऐसा आया हो, उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसी जगह एग्जिस्ट ही नहीं करती है,
तो कैसा लग रहा है भद्रवाह के? हमें तो नहीं आप भी बीडीएस से हो? सर पीएचडी कर लिया। तो आप मतलब फ्रेंड कैसे बने? मतलब आपका कोई दोस्त है जो बीडीएस कर रहा है उसके फ्रेंड आ गए? आपका नाम भाई साकिब, कहाँ से हो आप? डोडा से, मेन डोडा से। मैं बेला से हूँ। बेला नाम सुना हुआ? बेला से आप? हाँ जी भाई, बेसी ठाठरी नहीं है प्रॉपर। बेला से मेरे चाची के। बेला, मैं बेसिकली बेला से हूँ। आप कहाँ से भाई? आप डोडा से? डोडा से। आप भाई? डोडा से। ये बेसिकली मेरा भाई भद्रवाह से है। हमारा भी ऑन स्पॉट प्लान बनते हैं, चलो निकलते हैं, चलो तैयार होते हैं, चलो। तो अचानक आया, मैं दिमाग में थॉट में था कि चलो थोड़ा हल्का सा घूमेंगे, चलो नेक्स्ट ईयर ना आपको सारा घुमाएंगे, हमें सब घुमाएंगे, सब एक्सप्लोर है। हमारा प्लान देखो कितना इंस्टेंट बनता है। चप्पल में सारे तू तो मेरे साथ चलेगा भाई, ठीक है भाई? देख कितना अच्छा लगा। अपनी स्टेट की मंदिर से अलग बात है, लेकिन दूसरी स्टेट की मंदिर से मिलो ना अलग ही के बारे में, उनको क्यूरियोसिटी भी जगह के बारे में काफी ज्यादा। और जैसे वो उन्होंने बोला कि भाई केरला से आए, फर्स्ट टाइम आए हैं, बहुत अच्छा लगा इस जगह पे आके। वही चीज है, आप भी आए, आप भी आए, जल्दी से जल्दी आए। अमिताभ से बोलते कभी कुछ नहीं, नहीं कभी कुछ दिन कुछ तो गुजरात में हम कहते हैं कभी कुछ तो कुछ हो तो गुजारो गोल्डनडी में। तूने बोला कि आप भी आओ, आप किस लिए? की मेडिकल यूनिवर्सिटी के बंदे, मेडिकल यूनिवर्सिटी के बंदे और तमाम चंदन सिंह राणा के जो थोड़े सब्सक्राइबर्स हैं। देखने से कुछ नहीं होगा, आने से कुछ होगा। सही बात, इस जगह को एक्सप्लोर कर देखिए, इस जगह के बारे में आप देख रहे हैं, जगह को खूबसूरती जगह की। ये आप गैस नहीं कर सकते कैमरा से, बस जब आप आओगे तभी आप। यही कैमरा है, ये जो कैमरा है ना, ये जो ये दो कैमरे, इससे ऊपर कोई कैमरा नहीं। आईफोन 14 प्रो मैक्स, 14 प्रो मैक्स अपने डायलेट कर जाओगे, आपको जब यहाँ आ जाओगे वो डायलेट हो जाएंगे कॉर्नियर पीपल। तो आप आए और इस आए कभी दिन तो गुजारे भद्रवाह में, कुछ दिन तो गुजारे आप गुलडंडा में, मजा आ गया। कितना अच्छा लगा यार मिलके यार, है ना? तो आप लोग पूछते होंगे अचानक से चंदन कहाँ गायब हो गए। चंदन इस वक्त ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो कि सेंसर है, ये चीज़ दिखा ये चीज़ हम दिखा नहीं सकते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, ये चीज़ें नहीं दिखा सकते हम। तो आप लोगों से ये दरख्वास्त है, चंदन को छोड़ के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चंदन को मत करें, मुझे सब्सक्राइब करें। नहीं 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 नहीं, चंदन के चैनल से मुझे सब्सक्राइब करें, ठीक है? लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। सो गाइस फाइनली शाम का टाइम हो गया है, टाइम टू लीव, और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, तो अब यहाँ पे रहना सही नहीं है, अब हम वापस चल रहे हैं। ठंड के साथ साथ ज़िंदगी भी झंड हो गई है। तो जुहेब कैसा लगा ये हमारा अनप्लान ट्रिप? इसका नाम ही क्यों ना अनप्लान ट्रिप रखा जाए इस ब्लॉग का। बिल्कुल है, देखा, एन अनप्लान ट्रिप, अनप्लान ट्रिप था, लेकिन बहुत अच्छा लगा यार, मज़ा आया ना। यही तो कहते हैं जब मतलब ये दोस्तों के साथ जो प्लान बनता है ना वो अनप्लान ही होता है, लेकिन बहुत मज़ेदार होता है। अब देखिए अब जल्दी हम निकलेंगे नहीं यहाँ से, तो मुझे नमाज पढ़नी जल्दी कर दे। कितना बजे पढ़नी है? 8:30, 6:30, 7:30, जल्दी चला। चल ठीक है। इधर हाँ, अगर मेरा लिंक नहीं डाला तुझे बहुत मारूंगा, क्योंकि मेरे वीडियो में खुसूसर बोला लिंक डाल मेरा नीचे जल्दी। हाँ ये पकड़ और बता क्या बोलना था। मैं तुझे कह रहा था कि क्यों ना खतरनाक एंडिंग मेरा सोची हुई है मैंने इसके लिए, ब्लॉग की एंडिंग के लिए बड़ी खतरनाक वाली। बताओ पता क्या है? हाँ तो दिखाऊंगा, बताना क्या, लोगों को दिखाई लेते हैं। क्या दिखाएगा? भाइयों एक बात बता, गुलडंडा से यहाँ भद्रवाह तक का सफर कैसा रहा वो बता भाई। कभी इसके साथ मत जाना बाइक पे, यही बोल रहा हूँ। क्यों, क्या हो गया? अब ये सब फैमिली चैनल है, इस तरह के अल्फाज बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन जान पे बनाई थी, बस यही मैं कह सकता हूँ। कुछ नहीं हाँ, बड़ी मुश्किल से पहुँचाया। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे तो पहुँचाया, खुद भी खैरियत से घर पहुँच,
सब्सक्राइबर्स को बोलूं इसके लिए दुआ करना घर पहुंचे बस क्या है ठीक किस किस को बताएंगे जुदाई का। तो गाइस फाइनली जो है इतना डर रहा था कि हम पता नहीं सेफली नीचे पहुंचे या ना पहुंचे, फाइनली पहुंच गए। मतलब कैसा लग रहा है? मैंने अपनी सांस लेने के लिए बस यहाँ पर हूँ क्योंकि तुझे इतना अनसेफ फील हो रहा था यार, कभी सीधा बैठ ना पड़े तुझे। तो अभी फिलहाल हम दिस इज द रीज़न कि मैं कभी टू व्हीलर ना चलाता हूँ ना कभी बैठता हूँ। तो फिलहाल हम जूस पी रहे हैं और जो है जितने भी इसकी वीडियोज़ फोटोज़ वगैरह जितना भी क्लिक किया वो सब शेयर कर रहे हैं और इसके बाद जो अपने घर जाएगा और मैं अपने घर जाऊँगा। दुआ करना खैर से पूछे उसी को डाले बस सब पहुँच जाऊँगा। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं भद्रवा और क्या खा रहे हैं जी अभी हम? चंदन ने हमें रात लगाई थी कि मोमोज खिलाओ, मैंने कहा कोई नहीं तुम्हें चम यहाँ के सबसे बेस्ट मोमोज। तो जो है अभी किसी शॉप पे लेके आया बोल के तो लेके आया कि हाँ सबसे बेस्ट मोमोज है, कभी रिस्पेक्ट योर एल्डर्स वो तो अलग बात है लेकिन मोमोज बेस्ट है या नहीं है वो तो खा के पता चलेगा यार, ठीक है ना? उस पर भरोसा है नहीं फिर तो खाना ही पड़ेगा। शुक्रिया ना जनाब, शुक्रिया। ज़िप क्या कहना चाहोगे आप? खा के देखो इसको कैसे मोमोज़ है।